नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम 92 न्यूज़ की उस स्पेशल ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट ही का हिस्सा है जिसे हम आज दोपहर से 4 बजे से चला रहे हैं और 4 से 6 बजे के दरमियान भी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से हमने बहुत ही एक डिटेल डिस्कशन की जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ कमेंटेटर्स ने, जैसे लॉर्ड अहमद ने हमें बरतानिया से ज्वाइन किया, जैसे श्रीनगर कश्मीर से हमें बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं उन्होंने वहाँ से हमें ज्वाइन किया। ये मसलसल हम डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ हम कश्मीर की जो मौजूदा मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है 6 माह के बाद जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनशुलस किया है वहाँ आर्टिकल 370 को और 35A को ख़त्म करके, जिसका बुनियादी मकसद यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को उन्हीं की ज़मीन में, उन्हीं धरती में जहाँ वो हज़ारों बरस से रहते हैं, वहाँ उनसे उनका तशख़्स, उनकी आइडेंटिटी, उनका वजूद छीन लिया जाए और उन्हें इसराइली नौ आबादी की शक्ल में अपने ही इलाकों में, जैसे पैलेस्टीनियंस को उनके इलाकों में उन्हें एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, इसी तरह कश्मीरी मुसलमानों को एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। हमने उसमें ये समझने की कोशिश की, आज इस पूरी ब्रॉडकास्ट में मसलसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 माह में पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, यहाँ के मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, ज़राए इब्लाग ने और दुनिया को के सामने कश्मीर का केस किस तरह से रखा, क्योंकि कश्मीरी आवाम तो नज़रबंद कर दिए गए हैं, उन्हें तो कंट्रोल कर लिया गया है और उसका सम टोटल इफेक्ट जो है वो क्या निकला है। सो आज का इस वक्त का जो प्रोग्राम है ये इसी कंटिन्यूइंग डिबेट का हिस्सा है। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल जो है वो मेरे साथ है स्टूडियोज़ में। आई एम ऑनर्ड टू से कि मुझे ज्वाइन करिए बाज जिलानी साहब, पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और उससे पहले हिंदुस्तान में भी जलील अब्बास जिलानी साहब ने सर्व किया। अ वेरी वार्म वेलकम टू जलील अब्बास जिलानी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद मलिक साहब जो पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर रहे, एम्बेसडर के अलावा उससे पहले भी भारत में उन्होंने सर्व किया एज पाकिस्तान डिप्लोमेट। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को इनसे बेहतर कोई समझता नहीं है और शाहिद मलिक साहब जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में पोस्ट मुंबई सिचुएशन में दिल्ली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वेरी वार्म वेलकम टू शाहिद मलिक साहब एज वेल। जनरल रिटायर्ड अमजद शेर साहब डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं, मेरे प्रोग्राम्स में बहुत पार्टिसिपेशन जनरल साहब की रही। जनरल साहब वेरी वार्म वेलकम टू। नाज़रीन, एक नई शख्सियत मुझे आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे आप पहले इस प्रोग्राम में कम अज़ कम वाकिफ़ नहीं हैं। टोनी ईशाई मुझे कैलिफोर्निया से ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीरी राइटर हैं, लिखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह कि हैं तो आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर हैं, बहुत सक्सेसफुल, वेल नोन, रिनाउंड, पाकिस्तान भी आते हैं कश्मीर कॉज के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह की जो सिचुएशन है उसमें टोनी ईशाई हैज़ इमर्ज एज अ वेरी की वॉइस ऑन द इशू ऑफ द कश्मीर ऑन सोशल मीडिया। सो वेरी वार्म वेलकम टू टोनी ईशाई एज वेल। और टोनी ईशाई से अगर मैं शुरू कर लूँ क्योंकि एक डिफरेंट परस्पेक्टिव है, टोनी ईशाई अस्सलामु अलैकुम, और मेरा आपसे बुनियादी सवाल है कि गुज़िश्ता 6 माह में जो कुछ कश्मीर के हवाले से दुनिया के सामने रखा गया, पाकिस्तान ने रखा, कश्मीरी कम्यूनिटी ने रखा, आप क्या समझते हैं उसके नतीजे में क्या हिंदुस्तान पे कोई दबाव पड़ा है या नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो बदस्तूर अपनी डायरेक्शन में चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये एजेंडा इतना तेज करके, इतना फास्ट आगे चलाया दैट नोबडी पहले, इससे पहले किसी पाकिस्तानी लीडर या किसी दुनिया में कोई भी लीडर इतने जज्बे से कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं किया। सो आई रियली थिंक कि पाकिस्तान ने और इमरान खान ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, वो इसलिए बिकॉज मैं सोचता हूँ कि जो मोदी का प्लान था अगस्त 5 में जो मोदी ने किया वो सिर्फ वो आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के लिए नहीं था। उसके बाद मोदी का प्लान जो है वो है कि वहां पे कश्मीरी मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है उसको डिल्यूट किया जाए बाय ब्रिंगिंग हिंदुस्तान से और ज्यादा लोग लाए, और कोशिश यही होगी मोदी की कश्मीरी मुसलमानों की लाइफ इतनी बुरी करे कि वो शायद पाकिस्तान की तरफ जाए एज रेफ्यूजीज और कश्मीर को खाली करे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये पॉइंट उठाया और सारे मीडिया में, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और यूनाइटेड नेशंस में, मुझे लगता है उसकी वजह से मोदी को लगा कि अभी टाइम नहीं है, अभी रुकना पड़ेगा। और आई थिंक
उसकी वजह से थोड़ी ब्रेक्स लग गई मोदी ने. तो आई थिंक वो जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कश्मीरी पीपल जो इमरान खान साहब. अच्छा, यहीं जरा रुक जाए, अभी जरा यहीं रुके, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ. जलील अब्बास जलाली सर, क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है उसमें किसी हद तक रुकावट बन रही है, या आप समझ रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कश्मीर के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है. अच्छा, आपको याद होगा कि जब उन्होंने 370 को रिपील किया, आर्टिकल 370 को 5 अगस्त को, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दी उनका ये ख्याल था, और उनका भी ये ख्याल था, और अमित शाह का भी, और बाकी जो और जो उनके हैं जो करता धरता हिंदुस्तान की कैबिनेट के, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक वो हम उसको पे एक लॉकडाउन रखेंगे और उसके बाद फिर रिलैक्स कर देंगे, उस वक्त तक कश्मीरी भी वो इसको रिकनसाइल कर लेंगे. लेकिन उनसे, मैं जब ये कहता हूँ कि उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है, उसकी वजह यह है कि अब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया है, और उन्होंने वो उसको कश्मीरियों को ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही वो आइंदा करेंगे. आपको मुईद साहब ये बात अब ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ये कश्मीरियों की भी 73 साल की लंबी जंग है, और 73 साल, आप पिछले 73 साल में उनकी कुर्बानियाँ अगर देख लें, तो ये जो रिप्रेशन आज आप देख रहे हैं कश्मीर में, वो 7-8 लाख जो फौजी वहाँ पे मौजूद हैं, ये कोई नई बात नहीं है. ये 7-8 लाख जो फौजी हैं, ये पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले कम अज़ कम पिछले 30 साल से तो वहाँ पे मौजूद हैं, और उस चीज़ को वो बिल्कुल नहीं दबा सके. और मेरा ख्याल में, और मुझे यकीन कामिल है कि वो आइंदा भी इसको दबा नहीं सकेंगे. बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि मैं बयान कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये यकीन है. मैं हिंदुस्तान में मैंने सर्व किया, और वहाँ पे मेरा कश्मीरियों के साथ भी बहुत करीबी रابطہ रहा है, मेरी कश्मीरी लीडरशिप से भी रابطہ रहा है, और वहाँ पे जो सा है, जो एक कश्मीरी मूड है, उसको न सिर्फ मोदी हुकूमत ने ठीक तरीके से जज नहीं किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी उसको ठीक तरीके से जज नहीं किया. अच्छा, इसी सवाल को, बहुत शुक्रिया, मैं इसी, मेरे साथ रहिए इसी चीज़ को. मैं शाहिद मलिक साहब, आप भी बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड में न्यू दिल्ली में रहे, पहले एक सेकेंडरी पोजीशन पर रहे, फिर एज पाकिस्तान हाई कमिश्नर रहे, बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस आपने वहाँ पे देखे. आपको क्या लगता है, आप समझते हैं जो जलील अब्बास जलानी साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी मूड को और उसकी सेंस ऑफ हिस्ट्री को, उसकी डायरेक्शन जो है तारीख की कश्मीर के अंदर, उसे ना तो मोदी समझ सके हैं और ना ही दुनिया समझ पाई? जी मोईद, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस डिस्टिंग्विश पैनल को, जलील साहब को, जनरल साहब को, और दूसरे जो आपके हैं दोस्त, उनको सलाम पेश करता हूँ. इट्स गुड टू बी ऑन दिस वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल. जो आपका सवाल है मोईद, मैं बिल्कुल आई वुड गो अलॉन्ग विद दैट कि इस हद तक मोदी सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस हद तक उसके ऊपर जो है ना, वो वहाँ पे वावेला होगा. वो समझते थे कि ये है चंद हफ्तों की बात है, उसके बाद ये चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जहाँ उन्होंने इसको गलत समझा वो ये कि इनके जो जज्बात हैं कश्मीरियों के, और वो कितने सालों साल से, कितनी दहाइयों से उनके सीने में उबल रहे हैं, और ये दिस एक्टेड एज द लास्ट स्ट्रॉ. इसके बाद उन्होंने जब बाहर निकला तो अब उन्होंने ये ठान ली है, सर पे कफन लेके निकलेंगे जब भी निकलेंगे. तो मेरे ख्याल में मोदी सरकार ने इस चीज़ को समझा नहीं, वो उसको रीड नहीं कर सकते, सिचुएशन को रीड नहीं कर. लेकिन हमने देखना है कि अब आगे क्या है हमारे आगे, तो वो मैं जैसे गुफ्तगु आगे बढ़ेगी मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में भी. अच्छा, मेरे साथ रहे शाहिद मलिक साहब, मुझे एक क्वेश्चन, लेकिन लेट मी ब्रिंग जल साहब इनटू इट. जल साहब, आपसे चंद घंटे पहले 4 से 6 बजे की जो हमारी नशिस्त थी, चूंकि आज 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के हवाले से, तो फॉर्चुनेटली वैसे तो कश्मीर में किसी से बात हो नहीं पाती. जितने भी लोगों से हम वहाँ बात किया करते थे, जो एकेडमिक्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं पॉलिटिकल, या जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, जो वहाँ एक्टिविस्ट रहे हैं, जो वकला रहे हैं, जिन तमाम लोगों से हम बात करते रहे, उनमें से किसी का भी फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं होता. लेकिन हमारी बात हो सकी रियाज मसरूर साहब से, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के श्रीनगर में नुमाइंदे हैं. उन्होंने हमें ये बात बताई कि आहिस्ता आहिस्ता पहले 2-2.5 महीने में तो सख्त कर्फ्यू किसी सिचुएशन थी, उसको कर्फ्यू नहीं कहा गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने
सिचुएशन को खासा रिलैक्स कर दिया है, बहुत से लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया है, टेलीफोन लाइंस जो ग्राउंड लाइंस हैं जो फिक्स लाइंस होती हैं उन्हें खोल दिया गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेलुलर फोन्स को भी खोल दिया गया है, पहले पेड को खोला गया, फिर जो अपलोड होते हैं उनको खोला गया, अब 2G इंटरनेट को खोला गया है। सो मोदी सरकार स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट करके कश्मीरी लोगों को कंट्रोल करके सिचुएशन को अपने हिसाब से एक नॉर्मलसी की तरफ लेकर जा रही है। ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में पाकिस्तान में कोई ज़्यादा कॉग्निजेंस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं पाई जाती। जल साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि हम तो कुछ और सोच रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान कुछ और सोच रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार अपने प्लान पे कारबंद है और उस पर आगे प्रोग्रेस कर रही है और शायद हम समझ नहीं पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो स्टेप्स लिए हैं वो उनसे पीछे नहीं हटेगा, ये उसके पॉलिटिकल कैरियर का मसला है और इसी चीज पे उसने अपना कैरियर बिल्ड किया है। असल चीज ये है कि अभी तक 6-7 हजार लोग जो उन्होंने अरेस्ट किए थे, जिनमें के यंग लीडर्स और पुराने लीडर्स जो हैं वो अभी रिहा नहीं हुए, वो अंदर हैं और पब्लिक जो है वो एक डायरेक्शनलेस मैं समझता हूँ वक्त गुजार रही है और वहां पे इतनी ज्यादा जो सप्रेशन और ऑपरेशन की गई उसकी वजह से अभी लोग मेरा ख्याल उसी से रिकवर कर रहे होंगे। तो ये तो जब लीडरशिप बाहर आएगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी, इसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जो असल किस्सा है वो ये है और जलील साहब ने भी बात की कि मोदी ने मिस कैलकुलेशन की, दर हकीकत उसने एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट की क्योंकि ये किस्सा बहुत अरसे से यूं ही पड़ा हुआ था और इंटरनेशनलाइज करने में उसने आपको मदद दी, एक अपॉर्चुनिटी निकल आई। अब चीज ये है कि एक तो हमारा इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था जो हो गया। क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर सके करने के लिए और उसको क्या हम इस बॉल को कैच कर सके? मैं वही बात करने लगा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं उधर ही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए यह जरूरी था कि आप उसके लिए एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करते, एक प्लान वर्कआउट करते कि मैंने इससे कैसे फायदा उठाना है। उसके बहुत सारी स्टेजेस होती, उसमें बहुत अरसे से अकवामे आलम इस किस्से को भूल चुकी हुई थी। पहले हमें अकवामे आलम को इससे रोशनास कराना था, हमें बाहर निकलना था जहां हम लोगों को बताते कि ये एक इशू है और इसकी असल नौइयत क्या है। फिर हमने डिप्लोमेटिकली काउंटर करने थे वो नैरेटिव जो इंडिया चला रहा था। मिसाल के तौर पर शुरू में इंडिया ने कहना शुरू किया कि जनाब आर्टिकल 370 को हमने रिपील किया है तो ये तो हमारा इंटरनल मसला है, हमारा आइन था, या अगर हम उसको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तो ये तो कश्मीर में तरक्की का रास्ता खुल रहा है क्योंकि कश्मीरी जो हैं वहां पे उनके कारोबार बस थे, अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और वहां पे कारोबार बढ़ेगा। अब आपने ये नैरेटिव उनके झूठ जो हैं वो क्या आपने काउंटर किए? फिर ये था कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे, हम हमेशा कह देते हैं कि जनाब हमने नहीं किया ये, लेकिन क्या हमने भारत के झूठ खोले? उससे पुलवामा जब हुआ तो आपने देखा कि भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट किस तरह मिली। बहुत सारे मुल्कों ने, अमेरिका ने कहा जनाब के इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा था आपके जिम्मे यह लग रहा था कि आप टेररिज्म करवा रहे हैं और पाकिस्तान जिसके 70,000 लोग मारे गए वो टेररिस्ट मुल्क कहलाया और दुनिया उस पर यकीन करती रही कि हम कर रहे हैं, आज दिन तक कर रही है। बात यह है कि एक बड़ी होलसम किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजी और एक प्लान वर्कआउट होनी चाहिए थी, एक कैंपेन वर्कआउट होनी चाहिए थी जिसमें अपने मुल्क में तो आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, लोगों को आगे चलाना था, लेकिन बाहर आपने क्या करना था? क्या आपने एनजीओस को यूज किया? क्या आपने स्पेशल एनवॉयज बनाए? क्या आपने वो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस जो हो रही हैं खवातीन की, उसके खवातीन के डेलीगेशंस बाहर चलाए? क्या आपने अपने मीडिया को फॉल किया कि यहां पे लेट नाइट इंग्लिश के प्रोग्राम चलते जो बाहर दुनिया तक हमारी आवाज पहुंचती? हमने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाई। हम ये तो कह रहे हैं कि मोदी की मिस कैलकुलेशन हुई, लेकिन उसकी मिस कैलकुलेशन को हम वजह इसकी क्या है, मतलब हमें वजह इसकी क्या है? हमारी सिंसेरिटी की कमी है, हम तकरीरों पे ज्यादा जोर दे रहे हैं लेकिन जल साहब सिंसेरिटी की कमी है या कैपेसिटी इशू? कैपेसिटी मेरा ख्याल है डायरेक्शन की कमी है, डायरेक्शन नहीं है, सोच नहीं है इस चीज के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के तौर पर नहीं लिया गया। हम यही कह रहे हैं मोदी ने गलती कर दी, वो खमियाजा भुगतेगा, वो नहीं भुगतेगा भाई जब तक हम नहीं उसको भुगताने का इंतजाम करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जहां तवज्जो देने की जरूरत थी। मेरा ख्याल है वी आर फेयरली ऑफ द मार्क, हम अपनी डायरेक्शन से बहुत हटे हुए हैं।
हम अपनी डायरेक्शन से बहुत हटे हुए हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ नाज़रीन, ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बदकिस्मती से एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है। ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को शायद बहुत से लोग जो हैं इवन एकेडमिक सर्कल्स में, शायद डिप्लोमेसी के अंदर भी ठीक तरह से नहीं समझ सके, लेकिन अब जब से बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल डायरेक्शन हिंदुस्तान में सेट हुई है तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जी शऊर या पढ़ा लिखा जिससे समझ ना आ रहा हो कि यहाँ पर एक तारीखी एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है इस्लाम और हिंदुज़म के दरमियान जिसने शक्ल अख्तियार कर ली है, जिसका कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और ये वो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी कीमत जो है वो कश्मीरी मुसलमान दे रहे हैं मकबूसा जम्मू और कश्मीर में। और ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आंखें बंद करने से चला नहीं जाएगा, ये एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के सामने खड़ा है। तो क्या पाकिस्तान इंटेलेक्चुअली तैयार है ज़हनी तौर पर कि इस एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से कैसे निब्रो आजमा होना है, इस पर मज़ीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंटरेस्टिंग पैनल मेरे साथ है कश्मीर के हवाले से, टोनी ईशाई की तरफ अगर मैं चलूँ। टोनी ईशाई साहब, आपने ब्रेक से पहले आपने ये कहा, वक्फे से पहले पहले पार्ट में आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अज़म दिखाया है कश्मीर के हवाले से, लेकिन मेरा सवाल यह है कि दो दिन पहले इसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मलेशिया में इंटरनेशनल अफेयर्स फोरम में बात करते हुए OIC से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री से, शदीद मायूसी का इजहार किया जब उन्होंने कहा कि कश्मीर के इशू पे OIC की कोई आवाज़ जो है वो सामने नहीं आई है। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जोर तो बहुत लगाया है लेकिन दुनिया, और ख़ास करके आप कैलिफोर्निया में हैं, आप अमरीका में हैं, दुनिया हिंदुस्तान के क्लाउड से इतनी अंडर प्रेशर है, इतनी मरूब है कि कुछ हो नहीं रहा? देखिए जी, कश्मीर में अगर कुछ होगा वो कश्मीर से ही होगा, वो अमेरिका से नहीं होगा, यूरोप से नहीं होगा, मलेशिया से नहीं होगा, और उसमें जो एक रोल कोई भी अदा कर सकता है वो पाकिस्तान है। अच्छा। पाकिस्तान कश्मीरियों की अगर मदद करेगा कश्मीर से ही हल निकलेगा, और कहीं से हल नहीं निकलेगा। वो हल क्या होगा, वो क्या शक्ल होगी उस हल की? जो भी हल होगा, बिकॉज इसमें जो है ना, इस डिस्प्यूट में तीन पार्टीज है, एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है, एक कश्मीर है। जब तक ये तीन पार्टीज इकट्ठे बैठ के रिजॉल्व नहीं करते हैं इस इश्यू को, तब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होता। अब आप मलेशिया, अमेरिका या OIC को ले आए, उनसे कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा प्रेशर होगा, बट कोई क्या अमेरिका इंडिया पे एम्बार्गो लगाएगा, क्या OIC तेल भेजना बंद करेगा इंडिया को, ये चीजें जो है ना, ये इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान की, जो अभी जनरल साहब बोल रहे थे, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई प्लानिंग हो कि कैसे इसको हैंडल करें, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, एक दो साल में इसको कैसे रिजॉल्व करें। लेकिन देखिए ना टोनी, देखिए हम में से फर्क आपका यह है कि यू ग्रू अप इन द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना, आपका सारा जो बचपन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां से करके आप अमेरिका गए, आपके एक्टिव कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी फैमिली है, वहां लोग हैं ग्राउंड पे। जो मोदी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो तो ये है कि हमने ये बोल्ड डिसीजंस लेकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसके अंदर सलूशन है कि हम वहाँ डेवलपमेंट करके, आबादकारी करके कश्मीरियों को ये एहसास दिला रहे हैं कि अब तुम्हारा कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना है, और ये उनके हिसाब से एक सलूशन है कि रोते रोते बैठ गई आवाज़ किसी सौदाई की, 6 महीने और रोएंगे कश्मीरी, 9 महीने रो लेंगे, उसके बाद अपनी हकीकत को, अपनी बेबसी को तस्लीम कर लेंगे। आप समझते हैं ऐसा नहीं होगा? वह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले 72 इयर्स में क्या हिंदुस्तान ने वहां पे डेवलपमेंट नहीं की, क्या हिंदुस्तान ने वहां पे पैसा खर्च नहीं किया, क्या वहां पे उन्होंने लीडर्स को खरीदा बेचा और मैनिपुलेशन की? और 72 इयर्स के बाद आज भी, तीन चार जनरेशन के बाद आज भी कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ नहीं है। तो आई डोंट थिंक कितने भी डेवलपमेंट करें, कितने भी पैसा खर्च करें, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं है और कभी नहीं रहेगा। कश्मीरियों को अपना हक मिलना चाहिए जहां पे वो डिसाइड करें, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें या इंडिपेंडेंट रहें, ये उनकी अपनी मर्जी है।
جب تک یہ ان کو حق نہیں ملتا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اس مسئلے میں تین پارٹیز ہیں اور تینوں کو انوالو ہونا اور اکٹھے اس کو حل کرنا ہے اچھا رکے میرے ساتھ رہے میرے ساتھ رہے جی لباس دلانی صاحب do you agree with this میں ٹونی اشائی صاحب سے بالکل 100% ان سے میں اگری کرتا ہوں کہ کشمیری اس وقت جو ان سے ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں کشمیری اچھا. اگر یہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو ہندوستان نہیں دبا سکا تو اس میں جو مین آئی تھنک جو رول تھا وہ کشمیریوں نے پلے کیا اور اس کے بعد پاکستان نے پچھلے 72 سال میں جس طریقے سے کشمیریوں کی مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ کی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی نظیر نہیں ملتی مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب ہندوستان میں تھا تو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے ایک نٹور سنگھ صاحب تو نٹور سنگھ صاحب نے ایک دفعہ ہمارے فورن منسٹر سے کہا کہ جی میں داد دیتا ہوں پاکستان کو کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان نے کشمیر کا کہ ہماری کوشش یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلے کو بالکل اپنا بین الاقوامی طور پہ اس کو ختم کر دیا جائے لیکن پاکستان نے اس کو ختم نہیں ہونے دیا اچھا. اور جنرل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ آپ یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان پچھلے 1973 سے یہ کہتا رہا ہے کہ جی شملہ ایگریمنٹ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے کہ اس کے تحت بائیلیٹرل مذاکرات ہوں گے پاکستان کی یہ تھی ہمیشہ سے کہ بائیلیٹرل مذاکرات کرنے کو ہم تیار ہیں ہم شملہ اگریمنٹ کی افادیت کو سمجھتے ہیں لیکن کشمیریوں کو بہر صورت ان کو انوالو کرنا پڑے گا میں اس کو کہتے ہیں کہ شملہ اگریمنٹ سے پاکستان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے انحراف کرنا چاہیے کیونکہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے آج سارا دن لوگ یہ کہتے رہے لارڈ احمد کہتے رہے اور بہت سے لوگ کہتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان شملہ اگریمنٹ کی تو جو اصل جو روح تھی اور اس کی روح جو اصل میں تھی اس کا جو دل تھا وہ یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم نے اس کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کو سیٹل کرنا ہے اور اگر وہ انہوں نے اس کو 370 کو ریپیل کرنے کے بعد تو اس کی اصل روح جو سی ہے وہ شملہ اگریمنٹ کی وہ انہوں نے نکال دی ہے تو خامخواہ اب انہوں نے ہندوستان نے خود ہی اس مسئلے کو اس کی اہمیت نہیں رہی ہے انٹرنیشنلائز کر دیا میں شاہد ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن ایک کانٹریری ویو میں لینا چاہتا ہوں جل امجد شعیب صاحب کا جل صاحب چونکہ آپ ایک گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ ملٹری مین ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو اور طرح سے دیکھتے ہیں ٹونی اشائی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہی از فرام کشمیر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکے گا نریندر مودی اور ان کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر لیا ہے اگر آپ ہندوستان کے اسٹریٹجک تھنکرز دیکھیں وہ تو اب گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں بلکہ مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا بڑے اویئر لوگوں نے کہ وہ آزاد کشمیر سے زیادہ گلگت بلتستان میں انٹرسٹڈ ہیں اور آر ایس ایس کی جو کہ 100th جو اینیورسری منائی جائے گی 1925 میں اس سے پہلے ان کو کچھ اور بھی کر رہا ہے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں شملہ معاہدے کی جو ہم بات کر رہے تھے دیکھیں شملہ معاہدے پہ ہمارا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا تبدیل ہونا چاہیے ہمیں اس کو لنک کر دینا چاہیے بھارت کے جو اس نے یونین ٹیریٹری میں کنورٹ کیا جب بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھا لیا وائن سائڈ ایکشن ہو گیا تو دو طرفہ معاملہ تو ختم ہو گیا دو طرفہ والی بات تو آپ نے خود ختم کر دی اب اگر دو طرفہ بات چیت ہے تو پھر بھارت کو یک طرفہ قدم واپس لینا ہوگا اور اگر وہ یک طرفہ قدم واپس نہیں لیتا تو دو طرفہ بات نہیں پھر آپ کو یونائٹ نیشن میں ہی جانا ہوگا اور ہمیں یہ سٹانس یہ بغیر یہ کہے یہ ڈکلیئر کیے کہ ہم شملہ معاہدے کو شملہ ایگریمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں ہم سٹانس صرف بدل رہے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ اپنی جگہ موجود ہے لیکن کشمیر سے ریلیٹڈ چونکہ یک طرفہ قدم اٹھایا گیا ہے یا تو وہ قدم واپس لیا جائے یا پھر ہم اس دو طرفہ چیز کو ہم نہیں مانتے ہم جائیں گے یونائٹ نیشن میں دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلی بات پہلے اس سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ برہان وانی کی شہادت کے ساتھ یہ دوبارہ زندہ ہوئی تحریک اور بڑے زور شور سے بڑے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اس میں نئی جان نئی روح پھونکی گئی یہ وہ چھوٹی نئی جوان جنریشن ہے جس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے ان سے ہندوستان سے آزادی حاصل کرنی ہے اب اگر وہ اس سارے قصے سے پہلے آرٹیکل 370 جب ابھی ریپیل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے وہ ہندوستان سے نفرت کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جان چھوٹ جائے تو ہندوستان کے جبر و تشدد کے بعد ان سے محبت بڑھ جائے گی ان کی یہ تو نفرت بڑی ہے اور اس کو لنک کر لیں جو مسلمان کے ساتھ وہ جو انہوں نے سٹیزن شپ کے امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ جوڑ دیں تو یہ ایک پورے بھارت کا مسئلہ بن چکا ہے جہاں پہ اب مسلمان کشمیر میں ہو یا کہیں بھی ہو
भारत के साथ रहने के बारे में दोबारा सोचेगा। और ये बात वाजे हो गई कि 1947 में जो हमने फैसला किया था, हमारे लीडर्स ने, कायद ने, वही आज भी हल है इस मसले का। वो मसला और किसी तरीके से हल नहीं हो सकता। अगर मोदी किसी भी वजह से आज मुसलमानों को राजी कर भी ले तो हिंदू जहनीयत चूंकि सामने आ चुकी है हिंदुत्वा की, ये 10 साल बाद फिर उठेगा। और अगर मुसलमानों ने अपनी अगली जनरेशन को, अपनी नस्लों को महफूज करना है तो उनके लिए आज भी एक ही हल है कि वो अपने लिए अलहदा खिता तलाश करें, और वो उत्तर प्रदेश है। ये वो चीज है जो कि अब मुसलमानों को वहां सोचनी होगी, और ये तकवीयत मिलेगी कश्मीर में भी लोगों को मुसलमानों की सोच से, तो मुसलमानों को सिखों से तकवीयत मिलेगी, क्योंकि सिख जो हैं वो भी इस निशाने पे हैं। आज करतारपुर कॉरिडोर भारत को हजम नहीं हुआ, और आप देखेंगे कि इसको स्कटल करने के लिए वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करेगा इस एरिया में। सो ये सिख और मुसलमान और कश्मीर, ये एक लिंकेज है जो हमें, जिस पे काम करना चाहिए, और अगर ये मिलके काम करें तो ये अपना मकसद हासिल करेंगे। अल्टीमेटली हिंदू अपने जगह पे खुश रहे, मुसलमान अपनी जगह पे खुश रहें, और हल 10 साल में आए, 15 साल में आए, हल यही होगा, और इस पर मेहनत करनी चाहिए। शाहिद मलिक साहब, जल साहब ने खासी प्रोवोकेटिव किस्म की सजेशन टेबल पे रखी है, व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? जी देखिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई पिछले 15-20 मिनट में आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे शुरू में बात हुई, हमें एक बैठ के एक मुरज़म तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन इमीडिएटली तैयार कर लेना चाहिए इस बारे में, कश्मीर के बारे में। और मोईद, जैसे आपको पता है, ये आर्टिकल 370 का जो किस्सा है, ये कोई आज या कल की बात नहीं, ये अक्सर बीजेपी के मैनिफेस्टोज में इसका जिक्र आता रहा है। तो और मैं नहीं, मुझसे पहले और मुझसे और भी पहले लोग जो थे वो इसका जिक्र करते रहे थे हिंदुस्तान में बैठ के, कि जी देखिए ये चीज़ आने वाली है। तो हमें कम से कम तैयार कर लेना चाहिए था अपने आप को ज़हनी तौर पे कि जब भी ये चीज़ आएगी तो हमें इसको किस तरह केटर करना है, किस तरह इसको हमने हैंडल करना है। वो नहीं हुआ, बहरहाल नहीं हुआ। अब 370 हमारे सामने आ गए, लेकिन खुदारा अब तो हम बैठ के कम से कम एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लें और उसमें ये देख लें कि हमने आगे जाके क्या करना है, सिफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल उसके कॉन्टेक्स्ट में, डायस्पोरा को इंगेज करने के कॉन्टेक्स्ट में, और अपने जो दोस्त हैं बैन अल-अक़वामी दोस्त, उनसे हमें किस तरह इस चीज़ को हैंडल करना है। जहाँ तक बीच में एक दफ़ा जिक्र हुआ था इस्लामिक कंट्रीज़ का, OIC का, तो मेरे ख्याल में देखिए हमें ज़्यादा उनके साथ तवक्कुआत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, मुआशी इंटरेस्ट हैं, वो उसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पे हाथ डाल के धर के बैठ जाएँ। हमें अब दिस इज़ द टाइम, एक हमें मौका मिल गया है, मोदी ने हमें एक मौका दे दिया है टू पुट आर एक्ट टुगेदर, एंड आई थिंक वी शुड राइज टू द ओकेजन। और वॉर फुटिंग के ऊपर हमें इस्लामाबाद में बैठ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको लेके, उनकी राय लेके एक प्लान ऑफ एक्शन बना के पार्लियामेंट में इससे अप्रूव करा के, और इसके बाद आगे इस पर हमें बढ़ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, वी स्टिल हैव सम होप। और मुझे मेरा सबसे बड़ा जो इस पर सबसे ज़्यादा, जिस तरह अशाही साहब ने कहा था, मेरे नज़दीक जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द रेजिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। आप देखिए पिछले 184 दिन से किस हालत में उन्होंने फिर भी दे हैव नॉट गिवन अप, एंड आई थिंक दैट शुड बी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ आवर ग्रेट स्ट्रेंथ इन दिस मूवमेंट। लेकिन अच्छा मेरे साथ है ये, जल्दी आवाज़ जरानी साहब, यू आर कैरियर डिप्लोमेट, ज़ाहिर डिप्लोमेट जो है उनकी बड़ी ग्रिप होती है ऑन दी ग्लोबल हिस्ट्री। बड़ी ज़ालिमाना एम्पायर्स गुजरी, कभी रोमन एम्पायर, कभी ऑटोमन एम्पायर, कभी इजिप्शियन एम्पायर, कभी कौन सी एम्पायर, जब उनको एक जोग्राफिकल कंटिग्यूस टेरिटरी के ऊपर उनको जुल्म करना होता है और वो जुल्म करते हैं, तो वो हर किस्म की मूवमेंट्स को सप्रेस कर लेते हैं। तारीख इससे भरी पड़ी है कि जब आर्मी स्ट्रॉन्ग होती है, जोग्राफिकली कंटिग्यूस टेरिटरी होती है, उनको ऑपरेशनल मोबिलाइजेशन उनके पास होती है, तो वो हर किस्म की मूवमेंट को सप्रेस कर लेते हैं। हम क्यों समझते हैं कि कश्मीरियों की मूवमेंट को ये 1 मिलियन इंडियन फौज जो है इंतहाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ये सप्रेस नहीं कर सकती?
मोई साहब, तारीख हमें यह भी बताती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतों ने कॉलोनाइज करने की कोशिश की, आखिर एक दिन उन्होंने रेजिस्टेंस के सामने उन्हें अपने कदम झुकाने पड़े। आप अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लीजिए। अफ़गानिस्तान को कहा जाता है कि वो ग्रेवयार्ड है एम्पायर्स का, और तारीख़ भी हमें यही बताती है। वियतनाम में जो कुछ हुआ और बाकी जितनी भी अपना कॉलोनीज़ थी, जिस तरीके से वो उन्होंने स्ट्रगल करके आज़ादी ली, तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का जो मसला है वो कोई उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। कश्मीर में भी आपने जिस तरीके से आसाइशा साहब ने भी कहा, सब हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं ख़ुद भी वहाँ पर रह के आया हूँ, वहाँ पे जिनसे है वो एक जो एक इस के साथ कमिटमेंट है, इस कॉज के साथ, वो इतनी ज़्यादा है कि बल्कि तो मैं समझता हूँ कि अब वो कमिटमेंट 5 अगस्त के वाक़े के बाद वो ज़्यादा बढ़ गई है। अगर पहले 80 से 85% वो लोग चाहते थे आज़ादी हासिल करना हिंदुस्तान से, तो अब वो 100% वहाँ पर कश्मीरी जो उनसे हैं वहाँ से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। बेशुमार मिसालें हैं अपना उसकी लोग धड़ाधड़ उसको स्ट्रगल को वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उसके लिए जो हिंदुस्तान, जो मैंने पहले बात की थी कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो भी एक बहुत मुश्किलात का उसका शिकार हो चुकी है। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर के इशू को हम अपना एक उसको किसी और इशू के साथ लिंक करने की शायद ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो इस वहाँ पर जो तहरीकें चल रही हैं उसका एक इंडिजिनस कैरेक्टर है, लेकिन अपना कश्मीर का जो सा है वो मैं समझता हूँ कि उसकी जो है वो जो बाकी जो वहाँ पर चल रही है सिटीज़नशिप एक्ट के ख़िलाफ़ जो चल रहा है उससे ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको देखना चाहिए। सिटीज़नशिप एक्ट जो सा है, हो सकता है कि कल हिंदुस्तान उसको वापस कर ले, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो 370 है आर्टिकल उसको भी उतनी जल्दी वापस करेगा कि जिस वहाँ पे उसके लिए। अच्छा, आप समझते हैं कि CAA को वापस भी लिया जा सकता है, उसको वापस लिया जा अच्छा, सकता मैं इससे पहले मैं टोनी शाही की तरफ आऊँगा आफ्टर द ब्रेक, मैं क्विक मिलिट्री परस्पेक्टिव इसका लूँ। जल साहब, आपको ये कैसे लगता है कि इतनी बड़ी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है हिंदुस्तान की, कश्मीरी कितनी देर तक इसके सामने खड़े होंगे, खास करके इस एस्टेब्लिशमेंट के तो इरादे आज़ाद कश्मीर, और अब तो पहले मुझे यकीन नहीं आता था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनके इरादे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ भी हैं। देखिए, जहां तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है, ये तो CPAC की वजह से एकदम मैं समझता हूं ये सामने आया, और मेरा ख्याल उनकी कोशिश होगी कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, लेकिन क्या हमें पता नहीं इन चीजों का? बिल्कुल, ये मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है उनके लिए, ये इतना डिफिकल्ट टेरेन है, और इसका दिफा डिफेंसिव में जो लोग यहां पे अच्छा। होंगे वो उनका हमेशा कैच रहेगा, और अटैकर के लिए मुश्किल होगा यहां पे अपने आप को पांव जमाना। तो ये कहने की बातें हैं, इंडिया को भी पता है कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम कर सके यहां पे। नेचुरली आप भी तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो एक आप कह लीजिए कि एक साइकोलॉजिकल गेम तो वो चलाते रहते हैं, कभी कहते हैं आजाद कश्मीर पे कब्जा करने को तैयार हैं अभी, या कभी कुछ, लेकिन ये सब उनको पता है अगर कब्जा करना मुमकिन होता तो कर चुके होते कब के। सो ये चीजें नहीं होंगी, और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इन सारी चीजों को सीरियसली लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कह दिया तो हमने इग्नोर कर दिया, ये सीरियसली ली जाती हैं बातें और उनके लिए तैयारी की जाती है। तो मेरा ख्याल है मिलिटरीली इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सरप्राइज इंडिया इन बिग वे। मुझे इन अ बिग वे, यानी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मिलिटरली एडवांस करना जो है वो हिंदुस्तान के लिए और इंडियन मिलिट्री मशीन कितनी बड़ी क्यों ना हो उसके लिए मुमकिन नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद टोनी शाही से समझते हैं कि वे फॉरवर्ड हो क्या सकता है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं सीधा चलता हूँ कैलिफोर्निया में टोनी शाही साहब की तरफ। टोनी शाही, आपने शुरू में ये कहा थोड़ी देर पहले कि एक सोल्यूशन जो है वो मलेशिया से नहीं निकलेगा, वो अमेरिका से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा कश्मीर से। ये सोल्यूशन जो है इसकी क्या शक्ल हो सकती है? देखिए जी, सोल्यूशन जो आएगा, पहले तो आप देखें हमारे पास ऑप्शन क्या है। कश्मीर को आज़ाद करने के लिए एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान जंग लड़े हिंदुस्तान से, और वो तो नहीं होगा। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान यूनिलैटरली अटैक नहीं करेगा हिंदुस्तान पे, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, कश्मीरी लड़के मिलिटेंट बने और बंदूकें उठा के इंडियन आर्मी के साथ जंग लड़े। वो हमने देखा 1989 में, वो उन्होंने किया। कोई 1,00,000 कश्मीरी मारे गए, कोई 10,000 औरतें रेप की गई, तो उसका भी हमें पता है, उसका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं है। एंड एज अ कश्मीरी मैं सोचता हूँ कि वो भी सही नहीं है, क्योंकि 9,00,000 आर्मी है, वो फुली ट्रेंड है। हमारे लड़के रैग टैग सोल्जर्स लेके, वो बंदूकें लेके, वो कहाँ लड़ेंगे उनके साथ। तो फिर हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन रहती है वो सिर्फ ये है कि हम नेगोशिएट करें अपना सेटलमेंट। वो किसी तरह से हमको हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव एक टेबल पे बैठ के। वो कैसे बैठे टेबल पे? वो बैठना ही नहीं चाहते टेबल पे। वही तो उसी के लिए सारी जंग है कि वो किस तरह से हिंदुस्तान को टेबल पे ले आए, ताकि वो हम ये कश्मीर का मसला जो है ये रिजॉल्व करें। और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, वही मैं अभी मलिक साहब जो बोल रहे थे, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, एक प्लानिंग होनी चाहिए, कश्मीरियों के साथ बैठ के उसकी प्लानिंग करनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान को कैसे टेबल पे लाए। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि वो हिंदुस्तान के साथ जंग कैसे करें, पर हिंदुस्तान को टेबल पे कैसे लाए। चलिए बस जलानी साहब, 1965 से, अगर 1947 से नहीं, 48 से नहीं, तो 1965 से पाकिस्तान की सारी स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं, कभी डायरेक्ट इंटरवेंशन के ज़रिए, कभी मिलिटेंसी को सपोर्ट करके, कभी नशर व इशात के ज़रिए, कभी दुनिया में वावेला मचा के, कभी अमेरिका को इन्वॉल्व करके, कभी रूस को इन्वॉल्व करके, कि हिंदुस्तान को एक मीनिंगफुल डायलॉग के लिए एक टेबल पर लाया जाए। यही चीज़ थी कॉम्पोजिट डायलॉग, यही सारी सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती नहीं। आपसे और शाहिद मलिक से ज़्यादा कौन वाकिफ़ है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जो कम से कम भी 50 बरस से ज़्यादा प्रोसेस है, लेकिन हिंदुस्तान मीनिंगफुल डायलॉग के लिए टेबल पर नहीं आता। लेकिन टोनी शाही को उम्मीद है कि लाया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले चंद बरसों से जिस तरीके से हिंदुस्तान की जग असाई हुई है, जिस तरीके से मोदी का, प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना इमेज टार्निश हुआ है, और ख़ास तौर पे अगर आप देखें इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर इशू के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज़ किया है, जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, उससे हिंदुस्तान में इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ है कि इंडिया, मैं आपको बताऊं कि उसका प्रेशर इस तरह बिल्डअप हुआ है कि हिंदुस्तान से ही आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी जो हिंदुस्तान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि पाकिस्तान में भी हाई कमीशन रहे, शिवशंकर मेनन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के इशू की वजह से और जो बाकी सिविल, जो उन्होंने एक सिटीज़नशिप एक्ट की वजह से जितना पाकिस्तान, हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है, उसकी पूरी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। तो वहाँ से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। मोदी को भी ये मेरा ज़रूर एहसास होगा कि ये एक ऐसे एक वो फंस गए हैं, एक उस किस्म के एक टॉक में हैं कि वहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वे फॉरवर्ड ज़रूर निकल सकता है, और वे फॉरवर्ड हिंदुस्तान को, जी शायद मलिक साहब, और हिंदुस्तान की हुकूमत को, मैं एक सेकंड में अगर मुझे कंप्लीट करने दें, तो हिंदुस्तान की हुकूमत को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हुआ है, और वो अगर एक राह निकाल सकते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए कि वो या इसको रिवर्स कर दें या इस फैसले को। शायद मलिक साहब, आपको क्या नज़र आता है? जी देखिए मोहित, मैं ये कह रहा हूँ, आपने नाम लिया शिवशंकर मेनन का और लोगों का, ये वो लोग हैं जब ये अपने दौर इकतदार में थे, तो क्या इनको ये नज़र नहीं आता था कि मीनिंगफुल डायलॉग करना जो है हम दोनों के हक में है, हम दोनों के उसमें है। चिदंबरम को देख लें, उसकी स्टेटमेंट अब आती है, क्योंकि अब वो कांग्रेस के हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शिवशंकर मेनन दूसरी साइड से हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको इतना वज़न नहीं देता जितना कि आप दे रहे हैं कि वो लोग, बाहर के लोग जो हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपनी हुकूमत को कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने बारहा, और जलील को पता है, जलील इज़ बिन इन्वॉल्व इन दैट, मैं भी रहा हूँ उसमें, कि बारहा ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी बहाने पर पाकिस्तान से बातचीत करने के ऊपर गुरेज किया। और अब तो ये हालात हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर पे तो डिस्कशन करना चाहता ही नहीं। दूसरी बात, मैं टोनी की बड़ी अच्छी बातें थी, बावजन बातें थी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब तक अब हालात ऐसे हो गए हैं टोनी, कि जब तक आप अपने कोई ग्लोबल जो दोस्त हैं उनको नहीं इन्वॉल्व करेंगे जिनका हिंदुस्तान पे असर रसूख है,
तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान किसी की बात अब नहीं सुनेगा। ये वो लोग हैं जिनका कुछ क्लाउट है इंडिया के ऊपर, जो उनका कुछ समझा सकते हैं। अगर आप छोड़ दें सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान रिग्रेटिवली विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू कन्विंस इंडिया टू होल्ड, नहीं कर सकेगा। अच्छा, लास्ट 30-40 सेकंड है, जल्द साहब योर क्विक कॉमेंट के, क्या इंडिया आ सकेगा कभी नेगोशिएशन टेबल पे? देखिए, बात यह है कि अगर प्रेशर किसी का हो सकता है तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, खासतौर पर P5, उन्हीं का ही हो सकता है। लेकिन वो बात वही है कि इसके लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत है, एक प्लान की जरूरत थी, हमने उनको टारगेट नहीं किया। और मैं समझता हूं हमारी डिप्लोमेसी जो है उसको देखने इस अंदाज से चाहिए कि एक कंपटीशन आपका इंडिया के साथ, वो अपना नैरेटिव लेकर दुनिया में फिर रहे हैं, आपने उसको काउंटर करना है। क्या आप उनसे ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल हम नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा मैच है जो जीतने के लिए आपको एक एफर्ट करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बने और उसके तहत आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें तो प्रेशर आ भी सकता है। ये चीजें डिप्लोमेसी में कोई भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात हैं। सिर्फ फर्क यह है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है और आप मेहनत कितनी करते हैं उस पर। तो मेरा ख्याल है ये हमारा की जो आपको जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए। वक्त हमारा खत्म हुआ। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का, टोनी शाही साहब का, जलील अब्बास जलानी साहब का, शाहिद मलिक का और जनरल साहब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए नैरेटिव शेपिंग का, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का, अभी तक तो नज़र आ नहीं रहा। आज इतना ही, कमेंट्स आपके, आपका ही का तबसरा है। बहुत शुक्रिया।